Happy birthday to you. ऐसी चीज देखिए जो 4 साल में एक बार होती है। वहाँ पे जाके पता चला मुझे पीरियड हो गए, मेरे उतरते रोने निकले। किसने बोला था ये काफी सेफ ट्रैक है? हाय गाइस, हम थाईलैंड आ गए हैं बिना पासपोर्ट के। भागो भाई। हाय गाइस, हम कशिका, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड फाइनली आई कैन से वी आर गोइंग ऑन अ ट्रिप। और ये कोई नॉर्मल ट्रिप नहीं होने वाली है, मेरी बर्थडे ट्रिप होने वाली है। कल है मेरा बर्थडे, आज शाम को हम निकल रहे हैं। तो मेरा जो रात को 12 बजे जो बर्थडे ईव एंड ऑल होती है वो सब बस में ही बनने वाली है। आई नो बिकॉज ऑब्वियसली कल तक ही पहुंच पाएंगे। वी आर गोइंग टू तीर्थन एंड जिबी। मेरा काफी मन था इस बार बर्थडे में कुछ एक्साइटिंग करने का, बिकॉज लास्ट 2 बर्थडेज में लिटरली फ्लॉप गए हैं। लास्ट 2 बर्थडेज जिनके अप्रैल या मई में जिनका बर्थडे आता है उनको पता होगा कि हर बार कोविड का न्यू वेरियंट आता था, लॉकडाउन लग जाता था। और मेरा बर्थडे इतना डिप्रेसिंग है ना लास्ट 2 साल से। दिस टाइम आई वाज लाइक मुझे नहीं पता, मुझे ट्रिप पर जाना है। मैंने अपनी सारी फ्रेंड्स को कन्विंस किया कि भाई ये अपना स्लॉट प्लीज खाली रख लो, ऑफिस की छुट्टी ले लो, लेकिन प्लीज चलो। आई एम गोइंग विद माय स्कूल बेस्टीज, BFF के साथ जा रही हूँ मैं ट्रिप पे। और ये मेरी लाइफ की पहली ट्रिप है जो हम ऐसे कंपनी के साथ जा रहे हैं। मतलब मैं कॉलेज फ्रेंड्स के साथ गई हूँ, लेकिन वो हम प्रॉपर खुद ही ऑर्गेनाइज करते थे ट्रिप, जो ट्रैवलर सब कुछ खुद बुक करा के। लेकिन इस बार हमने इंस्टाग्राम पे हमने बहुत सारे पेजेस ढूंढे एंड दिस नॉट स्पॉन्सर्ड बाय एनी कंपनी और सो, ये हमने खुद ढूंढी। उनको पता भी नहीं है, वैसे हमने पूरा पेमेंट एंड ऑल सब कुछ कर दिया, सो इट्स नॉट स्पॉन्सर्ड बाय देम। सो ये कंपनी हमें मिली, हमें इनके सारे जो कस्टमर रिव्यू थे अच्छे लगे, सो हमने चूज कर ली। शाम को जाना है, हमारा वहां से डिपार्चर है, विधानसभा शायद हमें जाना है, वहां से हमारी जर्नी स्टार्ट होगी। एंड यस आई एम एक्साइटेड, फर्स्ट टाइम मैं व्लॉग करने वाली हूँ। देखो आई एम वेरी बैड इन व्लॉगिंग, मैं खुद एडमिट कर रही हूँ। मैं पब्लिकली तो बिल्कुल व्लॉग नहीं कर पाती, बट आई विल ट्राई फॉर यू गाइज। ऑल्सो स्किन की वाट लगी पड़ी है, इतना ज्यादा मैंने मैंगोज खा लिया रिसेंटली, ऊपर से थोड़ा सा मीठा भी केक एंड ऑल थोड़ा हो गया था। और मेरे पीरियड्स नहीं आ रहे, मेरे पीरियड्स की डेट यही थी, आज 26 है ना, 27 है, 28 की डेट थी। रुको जरा सबर करो, अभी तक आए नहीं है। और ये ब्रेकआउट सारे वो पीरियड वाले हैं, सो या लेट देम लिव, हम ऐसे ही रहने वाले हैं इनके साथ। वील फोकस ऑन द नेचर, सो लेट्स गो। बेसिक सारा काम हो चुका है, मैं पार्लर होके आ गई, मैंने वैक्सिंग करवा ली, मेडिसिन मैंने ले ली हैं बिकॉज पहली बार ऐसे ट्रैक टाइप में जा रहे हैं तो सारे एसेंशियल होने चाहिए। पैकिंग कर लिया, नया बैग मैंने ऑर्डर किया अमेजोन से, ट्रॉली बैग अपना, बिकॉज मेरे पास था ही नहीं कोई। बहुत सारी चीजें मैंने ऑर्डर भी करी है, सो अगर मैं कुछ इस वीडियो में दिखाऊंगी तो मैं नीचे लिंक भी कर दूंगी। एंड या नाउ लेट्स गो। सैड कौन है? आइसक्रीम दिखाओ सब अपनी। सैड कौन है? क्यों तो सैड क्यों है? पता नहीं तेरे को कैसे है? मेरा खाओ नाइस। हाँ सब बुरे ही लग रहे हैं यार वैसे। वो लगाएंगे। Few moments later. हमें छोड़ के तो नहीं चले जाएंगे ना? हमारी एक बस खराब हो गई ना तो हम दूसरी बस में आ गए। जोक था ये। मोमोज खाने। ऑफिशियल ब्रेक नंबर 1। जस्सी फेमस हो जाएगी अब सौंफ मिश्री चुराने के लिए। eternity later. अब जाएंगे कैसे, इसको क्रॉस करके? है? चलो ट्रैकिंग स्टार्ट हो गई, चलो क्रॉस करनी है, रिवर क्रॉस करनी है। अच्छा वहां से जाना है, फिर तो ठीक है। फाइनली आ गए, 10 घंटे का सफ़र, 10 भी नहीं यार, 10 11 12 पता नहीं कितने घंटे का सफ़र करके ऑलमोस्ट 40। अबे यार ये तो हिल रहा है। हैप्पी बर्थडे टू मी, काफ़ी एडवेंचर हो गया। कैंप्स भी यहाँ पे, लेकिन हम कैंप में नहीं रुकेंगे, हम रुकेंगे उसमें कॉटेज में। टेन 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 यार हम आ जाएंगे इसमें 4 लोग, एक्स्ट्रा बेडिंग लगेगी ना यहाँ पे। रिश्तों के भी रूप बदलते हैं। ओ नाइस, कैसे खुलेगा ये? नहीं, दिस इज ओनली फॉर वेंटिलेशन आई गेस, ये है प्रॉपर। ये मेरी बर्थडे ट्रीट है, आई एम डन विद माई बर्थडे ट्रीट। ये मिल रहा है तुम सबको। स्कूल में राजमा चावल मिलते थे ना, आप तुम्हें क्या है, कड़ी चावल है? कड़ी की दाल। बच्चों कौन सा सही लग रहा है तेरे को? रेड अच्छा, मरून भी अच्छा, ये वाला ले लेना। हाँ मरून वाला ना, यही पास में है। तो आप ये सारा खुद बनाते हो? हाँ जी। तो आप ये मार्केट वगैरह में सेल नहीं करते? नहीं नहीं, हम नहीं ले जाते। थैंक यू, बहुत अच्छे हैं। Happy birthday to you. Happy birthday. Thank you. Thank you means a lot, yaar. Baby, baat wala. Next morning. सो इज़ द नेक्स्ट मॉर्निंग इन तीर्थन। मैं जल्दी उठ गई थी, मैंने लंबा सा शाल लिया, बाल और धो लिए थे बिकॉज बहुत ज़्यादा डर्टी भी हो गए थे। आज हम जाने वाले हैं ट्रैकिंग पर, बट उससे पहले मैं करूँगी स्किन केयर। कहीं भी चल जाओ स्किन केयर करना ज़रूरी होता है। आप देख सकते हो मेरे काफ़ी ज़्यादा भी एक्ने मार्क्स चल रहे हैं, जो PMS फेस में ब्रेकआउट्स भी होते हैं। और जब भी एक्ने मार्क्स की बारी आती है, सबसे बेस्ट इंग्रीडियंट होता है नायासिनामाइड। और डर्माको ने लॉन्च कर दिया है उनके डेली रेंज ऑफ सीरम्स, जो बेसिकली कम परसेंटेज से बने हैं। सो अगर आप बिगिनर हो, आप ही ईजिली यूज़ कर सकते हो। दे आर फ्रेग्रेंस फ्री। आई विल बी यूजिंग द 5% नायासिनामाइड डेली फेस सीरम। सो नाइसिनामाइड अगर आपको नहीं पता सबसे बेस्ट इंग्रेडिएंट होता है डार्क स्पॉट्स एक्ने मार्क्स के साथ फाइट करने में, प्लस इसके अंदर अल्फा बिटिन भी है जो इनहिबिट करता है मेलेनिन प्रोडक्शन को। सो ओवरऑल ये आपको स्पॉटलेस स्किन देता है, एक्ने मार्क्स जो भी डार्क स्पॉट्स होते हैं उससे फाइट करता है। टेक्सचर आप देख सकते हो एकदम पानी जैसा है, तो काफ़ी अच्छे से स्किन में चला जाता है, बिल्कुल भी हैवी ग्रीसी चिपचिप फील नहीं होता। मैं अच्छे से हैंड्स में लेके मसाज कर लेती हूँ स्किन पर। जस्ट मेक श्योर आप इसके बाद अच्छे से सनस्क्रीन लगाओ, आप कोई भी इंग्रेडिएंट यूज़ करो, अगर आप धूप में जा रहे हो आपको सनस्क्रीन लगानी है। मैंने भर के सनस्क्रीन लगाई थी। इसके बाद ऑल्सो पैच टेस्ट कर लेना बिकॉज ये न्यू इंग्रेडिएंट है, वैसे तो इसकी परसेंटेज कम है, ये पर्जिंग नहीं देगा, बट स्टिल पैच टेस्ट कर लिया करो। ऑल्सो एवरी टाइम यू बाय फ्रॉम डर्माको दे विल लिंक योर ऑर्डर टू अ चाइल्ड दैट दे हेल्प एजुकेट अलॉन्ग विद भूमि एंड दे हैव प्लेज टू हेल्प 10,000 प्लस स्टूडेंट्स अक्रॉस द ईयर। सो ब्रांड के अलावा दे आर डूइंग सम ग्रेट जॉब एज वेल। सो अगर आपको ये प्रोडक्ट लेना है आप डर्माको की ऑफिशियल वेबसाइट से ले सकते हो, ये इजीली अवेलेबल है। यू कैन अप्लाई माई कोड विच इज़ कशिका 2022 जिससे आपको एक्स्ट्रा 20% ऑफ भी मिल जाएगा इनकी ऑफिशियल वेबसाइट से। एंड इसके अलावा इन्होंने एक और प्रोडक्ट लॉन्च किया है इनके डेली फेस सीरम में जो है वाइटामिन सी। सो इसके अंदर वाइटामिन सी है बेसिकली 5% विच इज़ रियली गुड फॉर नाइस ग्लोइंग एंड स्पॉटलेस स्किन। मैंने इसको अभी कैरी नहीं किया था बिकॉज पहाड़ों में मैं नाइसिनामाइड ज़्यादा प्रेफर करती हूँ, बट यू कैन डेफिनेटली यूज़ इट इन योर डेली लाइफ। और डर्माको के प्रोडक्ट्स अगर आपको नहीं पता आपको नायका, Amazon, फ्लिपकार्ट सारी वेबसाइट्स पे इजीली मिल जाएंगे अपार्ट फ्रॉम डर्माको, लेकिन कोड जो है वो डर्माको की वेबसाइट पे लगेगा। एंड दैट इज इट। जल्दी में तैयार होना होगा तो कुछ नहीं मिलता यार। मेरा मस्कारा कितने है? ट्रैकिंग टाइम, क्या हम ये ट्रैक कर पाएंगे ये वक्त बताएगा। आज हमारा हेल्थ का टेस्ट है, अगर हम ये ट्रैक नहीं कर पाए ना तो मतलब हम अनहेल्दी हैं। एंजल मीरा चलो चले बाहर। क्या नाम है इसका? जलोड़ी जोत। जलोड़ी जोत इसका नाम, हम जलोरी जलोरी बोल रहे थे तब से। यहाँ पे पैराग्लाइडिंग भी होती है। फिर भी मैं कोशिश करूंगा 3 बजे आप लोग जहाँ भी हो रिटर्न लौट जाना, यही रास्ता है, कहीं भटकने की कोई जरूरत नहीं। बहुत लोग मिलेंगे आपको, सपोर्ट हर जगह से मिलेगा। कहाँ जाना है? अभी हमने ट्रैक स्टार्ट भी नहीं किया और हमारी सांस फूल रही है। फिटनेस लेवल 1 ऑफ 1। थक गया मैं तो बहुत यार, वैसे नहीं फूल रही लेकिन थोड़ा अनईजी फील हो रहा है। या तो ठंड है, मैं अभी जैकेट पहनी हूँ तो ठीक फील होगा। सांस चढ़ रही है गाइस। हाय गाइस, हाय गाइस, हाय गाइस, लाइक फॉलो एंड सब्सक्राइब। हो गया, प्रेम से बोलो जय माता, जय माता, जय माता दी, तीर्थन आए, जय माता दी। अब जिभी जाएंगे जय माता दी, नेक्स्ट बाली भी जाएंगे जय माता दी, फिर थाईलैंड भी जाएंगे जय माता दी, गोवा रह गया। मैं नहीं सुनिया गोवा, जय माता दी। सावधान इंडिया, ये ट्रैक थोड़ा सा रिस्की है। हमें बोला गया था काफी सेफ ट्रैक है, बट लुक एट दिस, एकदम एज पे चल रहे हैं हम, बट वी कैन डू इट। यही हमारा यार, करेंगे। देखो गाइस, ट्रैकिंग बहुत इजी होती है जब 4 लड़कियां होती हैं, वो दबा के गॉसिप करती हैं। हमने आधा ट्रैक कवर कर लिया, लेकिन हमें अभी और है, आधा हो गया ना हमारा, बस चलो आधा हो। 360 डिग्री क्या है? आधा ट्रैक हमने कंप्लीट कर लिया गॉसिप्स करते हुए, #BFF एंड गॉसिप। ओह सनकिस्ट ले ले, मन चॉकलेट। हाँ यार चॉकलेट ले लो ना, स्प्रिंग ले लो, एनर्जी आएगी। किटकैट लेना है मुझे, 10 रुपए है मेरे पास। नहीं, आई वांट टू टेक इट, दिस वर्क्स। यार कुछ हुआ है मुझे, चॉकलेट खा के थोड़ा अच्छा फील हुआ है। ट्रैकिंग पे चॉकलेट रखनी चाहिए। मंदिर आ गया है ये, सेलोसा लेक और AKA। अरे कहना क्या चाहते हो आप? स्टार्ट ही कर देना। मैं स्टार्ट है 1 2 3 गो। पास के जब छूटे एक साल का था ना, 14 साल का होगा, 14 बड़े बास के टाइम क्या क्लास तो 1 साल का तो उस टाइम में पूरे हाइक में। अच्छा, कितने साल पुराना है ये? पांडवों के टाइम का है। नागनपुरी नागनपुरी बूढ़ी नागन वैसे देख लिया दुर्गा नवदुर्गा बूढ़ी ना, तो उसका महत्व क्या, कौन से भगवान आए थे? नव दुर्गा, तो उन्होंने यहाँ पूजा की थी। हाँ नव दुर्गा है नहीं, जैसे नागन बोलते जितने कुल्लू मंडी में नाग देखे ना पार्टी, उनकी माँ था उसको बूढ़ी नाम, तीसरे बड़ा कोई देवी देवते सब देवते की माँ। इसमें ऑयल लगा हुआ है एग्जैक्टली। कुलचा है, कुलचा सर्व विद आलू की सब्जी, ठीक है। और है बड़ी माता का मंदिर यहाँ पे, 4 साल को 3 साल के बाद आता है यहाँ पे, 3 साल बाद यहाँ ज़्यादा हो गया। क्या हो गया बेटा, किसको ढूंढ रहे हो आप? हमें बता दो, हम ढूंढ देंगे। आप नाम बताओ, किसको ढूंढ रहे हो आप? ये वेट करता है हमारी। बस भाई बारिश ना है यार, ऑलमोस्ट मिड पे हम, मिड नहीं मतलब तो खत्म होने वाला है, पर हमने करके दिखाया है। तो बिल्कुल ट्रैक जब खत्म होने वाला था ना तब बारिश हो गई। भागो भाई, वैसे यहाँ पे पेड़ है तो एटलीस्ट वो बारिश इतनी गिर नहीं रही, बट काफी खराब टाइमिंग है बारिश की। ट्रैक किया, ट्रैक में ऊपर गए, ऐसी चीज देखी जो 4 साल में एक बार होती है। हाँ जाके पता चला मुझे पीरियड हो गए, मेरे उतरते रोने निकले। हमने 360 डिग्री व्यू देखा, उसके बाद हम वापस आए और बारिश हो गई। मेरे लाइफ का पहला ट्रैवल व्लॉग है और कुछ ज़्यादा एक्साइटमेंट दिखा दी मैंने अपने व्लॉग में। पीरियड यार, खुशी हो रही है मेरे को। नेक्स्ट मॉर्निंग, लास्ट डे इन हिमाचल। मेरी आवाज़ कितनी गंदी आ रही है ना यार, थोड़ी सी अनोइंग लग रही है ना मेरी आवाज़। मैं 5-6 योग कंटिया खा लूँगी। कल हम जब ट्रैक से वापस आए थे हम काफ़ी थक गए थे, हम बॉनफायर में बैठे और फिर हम सो गए। अब हम जाने वाले हैं जिबी। सो आज मैं इंक्लूड करने वाली हूँ जिबी की थोड़ी सी क्लिप। पहले मैं सोची थी व्लॉग अलग बनाऊंगी, बट नहीं, अब हम जिबी को भी इसी में इंक्लूड कर देंगे, बिकॉज ट्रैवल व्लॉग्स आई डोंट नो चलेंगे नहीं चलेंगे, एक व्लॉग बनाओ खत्म करो। सो लेट्स एक्सप्लोर जिबी और फिर हम दिल्ली जाएंगे। अलाउड है ऐसे जाना? ऐसे जिबी वाटरफॉल ये थोड़ी होगा यार, अंदर होगा ना। हाँ ये होती है चुलवाई लड़कियाँ, ये सब कर लेगी, सब कर लेगी जिंदगी में। ज्यादा ही फन नहीं कर लिया हमने 2 दिन में। गाइज मैं आपको कशिका ज्ञान देना चाहती हूँ, कभी भी ट्रैक करें तो ऐसे चले, ऐसे मत चले, हमेशा टेढ़ा चले। ये टिप आपको बहुत कम फैशन का ये है जलवा। पोज करो करिश्मा, पोज। यार क्या बकवास मारी हो लोगों ने यहाँ पे। मिनी थाईलैंड। हाय गाइज, हम थाईलैंड आ गए हैं बिना पासपोर्ट के। जानू तुमने बोला था ना मुझे थाईलैंड घुमाओगे, तो मुझे सस्ते थाईलैंड ले आओ। ये तो ना थाईलैंड नहीं, ये सस्ता थाईलैंड है जानू, मुझे महंगे वाले में जाना है। क्योंकि आपकी शक्ल ऐसी है नहीं क्योंकि महंगे में लेके जा सके। मिनी थाईलैंड इज ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल गाइज, ब्यूटीफुल। यार घूम घूम के ऐसा हो गया सर हमारा। हाय गाइस, बाय गाइस कर दो, हमारी जर्नी खत्म हो गई। थाईलैंड से वापस आ गए हम। मुझे घर जाना है गाइस। बस यार ब्लॉग स्टार्ट करने में इतनी एनर्जी होती है और एनर्जी जा रही है। चलो बाय बाय, बाकी डिटेल्स आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेगी। कॉमेंट बिलो।